नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन के लिए किन किन नियमों का पालन करना होगा, इसके बारे में। कोविड 19 की स्थिति दिन प्रतिदिन देश में खराब होती जा रही है। हालांकि इन सब के बीच वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को केंद्र सरकार जल्द से जल्द पूरा कराने की तैयारी में है। इसी क्रम में अब 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हालांकि वैक्सीनेशन से पहले रजिस्ट्रेशन का काम करवाया जाता है। इसको लेकर भी अब सरकार ने अपनी तरफ से तारीख जारी कर दी है, जिसके तहत वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन 24 अप्रैल से शुरू होने वाली है। वैक्सीन का डोज लगवाने के लिए कोविन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। 1 मई से इस एज ग्रुप के लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इसको लेकर कोविन चीफ आर शर्मा ने इस बात की जानकारी दे दी है, जिसके तहत अब आपको वैक्सीन लेने से पहले कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन आप नहीं ले सकेंगे। ध्यान रहे, अगर आप वैक्सीन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके लिए कोविड 19 वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी कि कोविन पोर्टल बनाए गए हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर वैक्सीनेशन से जुड़ा हर डेटा उपलब्ध होगा। कुछ स्टेप्स बुकिंग सुविधा भी उपलब्ध होगी। अब आपको बताते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन और कोविन की वेबसाइट kovin.gov.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए मोबाइल नंबर को OTP से वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी अन्य फोटो पहचान पत्र के आधार पर आपकी जानकारी सबमिट करनी होगी। पिन कोड आदि डालकर वैक्सीनेशन साइट, तारीख और समय चुनना होगा। आपको बता दें, एक मोबाइल नंबर से अधिकतम 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। अब आइए आपको बताते हैं कि बुकिंग की सुविधा आपको कहां कहां मिलेगी। जानकारों की माने तो सरकारी या प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर बुकिंग की सुविधा मिल सकती है। आपको कोई भी व्यक्ति अपना फोटो पहचान पत्र देकर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन की डोज आप ले सकते हैं। इसके लिए पहले पता कर लें कि सेंटर पर आप जाना चाहते हैं, वहां की स्थिति आखिर है क्या। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन करवाया गया था, जहां पर कोविड 19 की भयावह हो रही स्थिति को देखते हुए 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए योग्य घोषित दिया गया था। इसके तहत सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी से जारी होने वाले 50% डोज केंद्र सरकार को देने की बात भी कही गई थी। बाकी 50% स्टॉक राज्य सरकार और खुले बाजार में बेच सकेंगे। फिलहाल देश में 45 और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के नए दाम को भी फिक्स कर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों को यह वैक्सीन 600 रुपए में दी जाएगी। इससे पहले इन अस्पतालों को यह वैक्सीन 250 रुपए में दी जा रही थी। राज्यों के लिए वैक्सीन के दाम 400 रुपए होंगे। वहीं केंद्र को पहले की तरह ही यह वैक्सीन 150 रुपए में दी जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया के बाद कोविड 19 के बढ़ते रफ्तार को रोकने में सरकार को मदद मिलेगी। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।